ओके बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पॉलिटिकल पार्टी पढ़ रहे थे, आज जो हम लोगों को पढ़ना है बच्चों, भारतीय जनता पार्टी के बारे में पढ़ना है। भारतीय जनता पार्टी, हम लोग जानते हैं बच्चों कि हम लोगों ने कल जो पढ़ा था वो कंप्लीट किया था अबाउट कांग्रेस के बारे में। पिछले वीडियोज में आई हैव एक्सप्लेन अबाउट कांग्रेस। आज हमें जो कम्प्लीट करना है वो भारतीय जनता पार्टी कम्प्लीट करना है। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि रूलिंग पार्टी है, बहुत बड़ा इतिहास नहीं है क्योंकि 1980 में ही ये पार्टी बनाई गई। तो बस इम्पॉर्टेंट इस वजह से है कि इस समय बेटे वर्ल्ड की प्राइमरी मेंबरशिप के हिसाब से देखा जाए तो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी अकॉर्डिंग टू द मेंबर ऑफ द प्राइमरी मेंबर्स ऑफ द पार्टी। उसके बेस पे देखा जाए तो वर्ल्ड लार्जेस्ट पार्टी एट प्रेजेंट टाइम इज बीजेपी। तो आज हम लोगों को भारतीय जनता एक वीडियो में बीजेपी पढ़ना है और एक वीडियो में अगर हो सकेगा तो हम एक पॉलिटिकल पार्टीज और छोटी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पढ़ लेंगे। लेकिन आज जो हम लोगों को बेसिकली कंप्लीट करना है दैट इज बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी। तो बच्चों यू नो दैट बीजेपी का जो फॉर्मेशन किया गया बच्चों वो 6 अप्रैल 1980 में किया गया। 1980 में बीजेपी का फॉर्मेशन किया गया। एट प्रेजेंट टाइम पे देखा जाए बच्चों तो 1980 और 6 अप्रैल, तो प्रेजेंट टाइम पे अगर हम इसकी सिचुएशन देखें तो 1980 2020 इस समय चल रहा है। तो 2020 और 1980 लगभग 40 इयर्स का इतिहास समेटे हुए है। इट हैज कंसर्न द हिस्ट्री ऑफ द 40 इयर्स, बहुत बड़ा इतिहास कांग्रेस की तरीके नहीं है। तो 6 अप्रैल क्वेश्चन इज दिस कि 6 अप्रैल को 1980 को जो भारतीय जनता पार्टी बनी, इस भारतीय जनता पार्टी को बनाने वाले लीडर्स कौन थे। तो एट द फाउंडर लीडर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बच्चों सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद बच्चों लाल कृष्ण आडवाणी और फिर बच्चों मुरली मनोहर जोशी। इसके बाद बच्चों फोर्थ नंबर भैरव सिंह शेखावत। ये चार फाउंडर्स लीडर के रूप में भारतीय जनता पार्टी के बच्चों जाने जाते हैं। ये चार मेन फाउंडर्स लीडर हैं। पहला नाम बच्चों जो आता है वो मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी का आता है, फाउंडर्स मेन मेंबर्स ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। सेकंड पोजीशन जो आती है वो लाल कृष्ण आडवाणी जी की आती है। थर्ड रैंक मिस्टर मुरली मनोहर जोशी और फोर्थ रैंक एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिस्टर भैरव सिंह शेखावत। तो मेरे कहने का मतलब 6 अप्रैल 1980 को कांग्रेस और बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। 6 अप्रैल 1980 को बीजेपी भारतीय जनता पार्टी वाज फॉर्म एंड द फाउंडर मेंबर्स ऑफ द बीजेपी इज अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी एंड मिस्टर भैरव सिंह शेखावत। दीज आर द फाउंडर मेंबर्स। थोड़ा सा बच्चों हम इस पार्टी के बैकग्राउंड में चलते हैं। अगर इस पार्टी के बैकग्राउंड में चलेंगे तो बच्चों कौन कौन से लोग आते हैं इस पार्टी के बैकग्राउंड में देखते हैं चल करके। तो बच्चों 1951 में जनसंघ नाम का एक पार्टी बनी। 1951 में एक पार्टी बनी जनसंघ। उस पार्टी जनसंघ के जो फाउंडर थे बच्चों, मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कौन थे बच्चों? मिस्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बेटे 1951 में एक पार्टी बनाई जिसका नाम था जनसंघ। जो बेसिक आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं या जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं, ये बच्चों बिफोर फॉर्मेशन ऑफ द पार्टी जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो उसमें एज मिनिस्टर थे ये लोग।
अटल बिहारी वाजपेयी ने विदेश मंत्रालय फॉरेन अफेयर्स को संभाला था, और जबकि लाल कृष्ण आडवाणी ने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री को अडॉप्ट किया था। तो मेरे कहने का मतलब है बच्चों कि जब जनसंघ को जब जनसंघ टूटी और जनसंघ जब ब्रेक डाउन हुई 1980 में, तब भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन हुआ। बात यह थी बच्चों कि आप लोगों ने जब कांग्रेस पढ़ा, तो मैंने कांग्रेस पढ़ाते समय एट द टाइम ऑफ दैट व्हेन आई वाज टीचिंग टू यू कांग्रेस एट दैट टाइम आई वाज एक्सप्लेनिंग दैट कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंदिरा गांधी इन 1975 जून 1975 में इंदिरा गांधी इम्प्लीमेंटेड द इमरजेंसी इन इंडिया। यू नो दैट दैट वाज नोन एज अ ब्लैक स्पॉट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडियन डेमोक्रेटिक सिस्टम में उसे एक ब्लैक स्पॉट डे के रूप में कंसीडर किया जाता है बच्चों। जो क्या कहते जो कि इम्प्लीमेंटेड किया गया था, जो कि बनाया गया था बाय जो कि इंदिरा गांधी के थ्रू इम्प्लीमेंट किया गया था। तो उसके बाद फिर बच्चों 1977 में इंदिरा गांधी को बेटे इंडिया में इलेक्शन डिक्लेयर करना पड़ा, और जनवरी 1977 में इंदिरा गांधी ने डिक्लेयर किया कि हम लोग बहुत जल्दी इमरजेंसी को हटा करके इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे, और मार्च 1977 में ऑफिशियली इमरजेंसी को हटा करके बच्चों ऑफिशियली वो तो उन्होंने डिक्लेयर किया था मार्च 1977 को ऑफिशियली बच्चों इमरजेंसी हटा करके इंडिया में इलेक्शन के डिक्लेरेशन किया गया। तो उस जब इलेक्शन डिक्लेयर किया गया बच्चों, तब तक कांग्रेस से बहुत ढेर सारे लीडर्स भी हट चुके थे, एंड और भी ढेर सारे राजनारायण लोगों ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि किसी भी तरीके से विपक्ष को अपोजिशन को जो अभी तक अपोजिशन में था अपोजिशन को एक साथ आना चाहिए ताकि इस इमरजेंसी के तौर पर दौर का में भी हमें इलेक्शन जीतना चाहिए। और इस तरीके से बच्चों इस दौर में ढेर सारी पार्टीज मिल गई। फॉर एग्जांपल के तौर पर राष्ट्रीय लोक दल जो कि चौधरी चरण सिंह जी की थी, वो भी क्या कहते जनसंघ से आगे मिल गई, और कांग्रेस के टूटने के बाद कांग्रेस भी टूटी, और उससे बेटे आपके जो मिस्टर मुरारजी देसाई थे जो कि कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा अपोज करते थे इंदिरा गांधी की पॉलिसी को, वो भी बेटे अपने पार्टी के साथ आ गए क्या नाम से बीजेपी के साथ जनसंघ के साथ, और एक तरीके से इन सबको मिक्सअप करके एक पार्टी बनाई गई थी जिसका नाम था जनता पार्टी। और जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और चुनाव में काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया, और कांग्रेस अब उस समय के दौर पर, वैसे तो बेटे आप लोग जानते हो कि 2014 के इलेक्शन में कांग्रेस अपने सबसे बेस्ट दौर पे गई थी, और कांग्रेस ने केवल 543 में से केवल 44 सीट जीती थी। आप लोगों को पता है कि जो 2014 का जो दौर आया था उसमें कांग्रेस ने अपने बेस्ट क्या कहते हैं परफॉर्मेंस किया बेस्ट परफॉर्म किया और केवल 543 में से केवल 44 सीट जीता था। अब की बार बच्चों जो बीजेपी ने जीता है वो कांग्रेस ने जो जीता है वो शायद 54 यानी कुछ सीट बढ़ी है, तो अब की बार शायद आई थिंक कांग्रेस ने कुछ सीटें बढ़ाया है 2019 में, लेकिन अंडर बिलो 100 ही है। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस अपने को, कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस का तो इतना खराब दौर उस समय भी नहीं आया था जब इमरजेंसी वाला दौर था, जब इमरजेंसी के लिए कांग्रेस कंप्लीटली रिस्पांसिबल थी, लेकिन मेरे कहने का मतलब कांग्रेस इस समय काफी खराब दौर से गुजर रही है। तो बीजेपी ने उस समय ये सारे लीडर्स ने मिलकर के बेटे चुनाव लड़ा और मोर देन 300 प्लस सीट जीता इन लोकसभा और सरकार बनाया, और मिस्टर मुरारजी देसाई पीएम बने, बाद में चौधरी चरण सिंह को भी कुछ दिन के लिए पीएम बनाया गया, और अपने इंटरनल कॉन्स्पिरेंसी या इंटरनल इंटरनल नॉट सेटिस्फैक्शन या इंटरनल डिस्क्रिमिनेट्स की वजह से बेटे जो पार्टी थी जो सरकार थी जनता पार्टी की वो अपने से गिर गई, और रिजल्ट क्या हुआ 1980 में मिड टर्म इलेक्शन हुए और उस मिड टर्म इलेक्शन में कांग्रेस फिर से रीबैक होकर के आई। तो मेरे कहने मतलब जब सरकार गिरी बच्चों तो 1980 में ही कांग्रेस वो जनसंघ के ही कौन बिना जनसंघ के मोर फोर लीडर्स स्पेशली अटल बिहारी वाजपेयी
मिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, मुरली मनोहर मनोहर जोशी जोशी और भैरव सिंह शेखावत। कौन बच्चों? भैरव भैरव सिंह शेखावत ने, इन चार लीडर्स ने मिलकर के बच्चों भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन किया। और भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन किस दिन हुआ? आई हैव टोल्ड यू ऑन 6 अप्रैल 1980 को चार लीडर्स ने मिलकर के भारतीय चार मेन लीडर्स ने मिलकर के बच्चों भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मेशन किया। हम आपको बता दें बच्चों 1980 में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। भारतीय जनता पार्टी का बहुत अच्छा इलेक्शन में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा। 1985 में बच्चों 1984 में एज यू नो कि इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी का मर्डर हुआ और जब मेन इलेक्शन आए 1985 के इलेक्शन में, क्योंकि इंदिरा गांधी के मर्डर की सिंपैथी बच्चों कांग्रेस को मिली।